इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी से अब तक 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज ही के दिन ठीक 14 साल पहले 26 दिसंबर 2004 को एक और सुनामी आई थी। इंडोनेशिया के एक द्वीप में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण हिंद महासागर में उठी सुनामी की लहरों ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में तबाही मचा दी थी, जिसमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। चौदह साल पहले आज ही के दिन दुनिया ने जो बर्बादी देखी और समुद्र की लहरों ने ऐसा खौफ पैदा किया कि सुनामी का नाम सुनते ही लोगों में दहशत फैल जाती है। आज के दिन इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण हिंद महासागर में उठी सुनामी की लहरों ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में तबाही मचा दी थी। इस भयानक आपदा में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हिंद महासागर में उठी सुनामी की लहरों ने भारत समेत 13 देशों पर अपना कहर बरपाया था। इसकी सबसे ज्यादा मार इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका पर पड़ी। जान माल के नुकसान का सही अंदाजा आज भी नहीं लग पाया है। SBS वर्ल्ड न्यूज की मार्च 2005 में आई रिपोर्ट के मुताबिक लापता और मरने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो इंडोनेशिया में 1,26,473 लोगों की मौत हुई और 93,943 लोग लापता हुए। श्रीलंका में 30,957 लोगों की मौत हुई और 5,637 लोग लापता हुए। भारत में 10,749 लोगों की मौत हुई और 5,640 लोग लापता हुए। थाईलैंड में 5,595 लोगों की मौत हुई और 3,001 लोग लापता हुए। इसी तरह दूसरे कई देशों में भी हजारों लोगों की जान चली गई। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और केरल बुरी तरह प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा तबाही अंडमान निकोबार द्वीप में हुई, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही थी। सुनामी का वो भयानक मंजर कौन भूल सकता है, जब जमीन से कई फीट ऊपर पानी की लहरें आई और सब कुछ तबाह करके चली गईं। 14 साल बीत जाने के बाद भी इंडोनेशिया का बांदा आचे अभी भी इस आपदा से उबर नहीं पाया है, जहां 1.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। 2004 की सुनामी के बाद से भारत और भारतीय महासागर बेल्ट के साथ अन्य कई देशों ने अब अपनी सुरक्षा प्रणालियों को भविष्य में किसी भी ऐसी चेतावनी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।